सो गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेव और माइक को एन सेंट्रल कोर्ट में जाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ की सीढ़ियों पर अपने कदम रखते हैं, उसमें से काफी खतरनाक तरीके का ऑरा निकलने लगता है, जो कि असल में यहाँ पर आने वालों को जांचता है कि वो उसके लायक है भी या नहीं। तो डेव और माइक इतने खतरनाक ऑरा का सामना करते हुए फाइनली उस दरवाजे तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों के सामने वहाँ का रक्षक हाथी राक्षस आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि पहले तुम लोगों को अंदर जाने के लिए अपना पास दिखाना होगा। और लोगों के पास में असल में होता है कैप्रिकॉन सेना का पास, जिससे उन दोनों को फाइनली अंदर जाने के लिए एंट्री मिल ही जाती है। और अंदर जाने पर उन लोगों को अपने सामने काफी बड़े बड़े टॉम्ब नजर आते हैं, जो कि असल में यहाँ के सभी डीमंस के बनाए गए थे। और उन्हीं में से काफी बड़े टॉम्ब के पास में डेव और माइक जाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि वो लोग इसके बारे में जान सके कि आकर यहाँ पर ऐसा हुआ क्या। इसीलिए फिर माइक उस बड़े से टॉम्ब को टच करता है, जिससे कि उसको तुरंत ही वो सारे के सारे विजन्स आ जाते हैं कि एनसेंट्रल कोर्ट में आकर किस तरीके की तबाही मचाई गई, जिसको जानकर डेव और माइक उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और इसकी वजह से उन दोनों के ही आंखों से आंसू बहने लगे थे। और इसकी वजह से डेव माइक से कहता है कि अब तुम खुद ही सोचो कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा था, जिसने केवल हमारे दिमाग में झांक कर ही हमारी आंखों से आंसू निकलवा दिए। तो माइक भी कहता है कि हाँ, मुझे समझ नहीं आया आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे खुद भी पता नहीं चला। और फिर तभी उन दोनों को किसी लड़के की आवाज आती है, जो की उनसे कहते है की तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जो की असल में होती है लोटस। और वो तीनों ही बातें करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर डेव और माइक ने अपने खाने के लिए काफी सारी चीजें भी मंगा ली थी। और फिर लोटस यहाँ पर लोगों से कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जगह पे मुझे तुम दोनों देखने को मिल जाओगी, क्योंकि जब से हम लोग होली सिटी में से अलग हुए, तब से तो हम लोगों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं। और माइक यहाँ पर लोटस से कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ, कहीं तुमने हम दोनों की जान लेने के लिए इस खाने में जहर तो नहीं मिलवा दिया, क्योंकि तुम्हारी जान पहचान यहाँ पर ज्यादा होगी। तो उन लोगों से कहती है कि भले ही मैंने तुम लोगों के साथ में पहले काफी गलत किया, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं तुम लोगों को जान से ही मार दूंगी, कम से कम मुझे इतना गिरा तो मत समझो, और वैसे भी मैं तुम्हें एक और बार डिनर तो करा ही चुकी हूँ। तो माइक कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, और वो यहाँ पर खाना शुरू कर देता है, जिसको देखकर फिर डेव भी शुरू हो जाता है। माइक खाते हुए कहता है कि ये खाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फिर लोटस उन दोनों से कहती है कि मुझे ये बताओ, तुम लोग इस एन सेंट्रल कोर्ट के बारे में कितना जानते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ज्यादा जानते होगे। तो डेव कहता है कि हम लोग जितना भी जानते हैं वो सब कुछ हमने दूसरों के मुँह से ही सुना है। वो उन्हें बताती है कि ये जो एन सेंट्रल कोर्ट है, वो डेमोनिक डोमेन का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि ये किसी कब्रिस्तान से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें हर एक डीमन रेस के पूर्वजों की कब्रें ही देखने को मिलेंगी। तो माइक कहता है कि यानी कि हम लोग यहाँ पर कब्रिस्तान में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो वो उनसे कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरुआत में एनसेंट्रल हॉल को एक सेक्रिफिशियल एल्टर के तौर पर माना जाता था, यानी कि इसको एक वेदी के रूप में पूजा जाता था, जिसको दो महान राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जो कि इसी डेमोनिक डोमेन से बिलोंग करते थे। और इसका निर्माण भी प्रलय आने के पहले ही हो चुका था। और इस सेक्रिफिशियल एल्टर की जो कोर थी, उसको भी सेवन डिवाइन बीट्स की मदद से ही बनाया गया था, जो कि ह्यूमन क्लेन के सात महासंतों के हृदय से प्राप्त हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में तो हम सभी के सभी लोग जानते हैं कि उस प्रलय ने आकर यहाँ पर क्या क्या तबाही मचाई थी, क्योंकि हमारे पास में सेवन डिवाइन बीट्स की पावर होते हुए भी हम उस डेमोनिक और प्लेनेट के यहाँ पर आने से नहीं रोक सके। इसकी वजह से हमारी इस धरती पर चारों तरफ ही तबाही फैल गई थी, साथ ही साथ उसी के कोलिशन की वजह से यहाँ पर मौजूद सेक्रिफिशियल एल्टर को भी तबाह कर दिया। और जब सेवन डिवाइन बीट्स किसी को भी ना बचा सके, तब उन्हें महान लोगों के पावर्स की मदद से चारों दिशाओं में फैला दिया गया, क्योंकि जिन जिन मास्टर्स ने सेक्रिफिशियल एल्टर का निर्माण किया था, उनमें से ज्यादातर या तो मारे गए या फिर बहुत ही गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिनकी आगे चलकर बहुत जल्द मौत तो होनी ही थी। जिनमें से गॉड लेवल की पावर्स रखने वाले मास्टर्स के बॉडी को इसी एनसेंट्रल कोर्ट की जमीन के नीचे दफन कर दिया गया, जिसका निर्माण भलाई के लिए किया गया था, अब उसका इस्तेमाल यहाँ पर दफन करने के लिए किया जाने लगा। और इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ आते हुए ब्लड बैरियर का भी सामना करना पड़ा होगा, जिसके जरिए नाइन्थ लेवल से कम वालों को तो वहाँ से बाहर ही फेंक दिया जाता है। क्योंकि तुम लोग नाइन्थ लेवल को पार कर चुके हो, इसीलिए तुम लोग अंदर आ सके, क्योंकि रास्ते में तुम लोगों को जो ऑरा फील हुआ था वो और किसी का नहीं बल्कि हमारे ही एंसेस्टर्स का था। कहने को तो ये जगह डेमोनिक डोमेन में पाई जाती है, लेकिन ये हमारे लिए भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारे पूर्वजों की मदद से ही अपने आप को गॉड लेवल तक पहुँचाने के कल्टी
कल्टीवेशन के बारे में पता चलता है। इसी वजह से तो इस जगह को लेवलिंग अप करने की पवित्र भूमि कहा जाता है। तो माइक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लूं, सच में लोगों को इस डेमोनिक डोमेन से फायदा होने लगे। तो वो उनसे कहती है कि इस बात का पता केवल गोल्डन ब्लड लाइन वाले लोग ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के लिए देखा जाए तो हम लोग मिश्रित खून वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों तरीके का ही खून पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें राक्षसों के नाम से नहीं पहचाना जाता, क्योंकि हमारा ब्लड बैरियर ही ऐसा है। अगर तुम यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक रहोगे तो तुम्हारा लेवल अप होने के बजाय डाउन हो जाएगा, इसीलिए अगर तुम लोग केवल 3 दिनों के अंदर ही यहाँ से चले जाओ तो वो काफी बढ़िया रहेगा। तो डेव माइक को समझाता है कि यहाँ के ब्लड बैरियर की वजह से इस जगह से केवल मॉन्स्टर्स ही अपने पावर्स को बढ़ा सकते हैं। तो वो उन दोनों से यही कहती है कि यहाँ पर आने से किसी का भी लेवल 9 पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, जिस बात से उन दोनों को ही काफी ज्यादा शौक लगता है और वो लोग इस बारे में सोचते हैं। रेड क्वीन रूबी भी तो 9th लेवल के ऊपर की है, यानी कि वो तो 11th लेवल की है, और अगर वो यहाँ पर आएगी तो उसका लेवल भी 9 हो जाएगा, जिससे कि हम लोग इस जगह पे उसको आसानी के साथ में हरा भी पाएंगे। और इस आइडिया के आने की वजह से वो दोनों ही लोटस का शुक्रिया अदा करते हैं इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और फिर लोटस उन लोगों से कहती है कि अब तो तुम लोगों का पेट भी भर गया होगा, तो क्यों ना अब यहाँ पर हम लोग कुछ जरूरी से बात कर लें। इसके बाद फिर वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक एनर्जी शील्ड को बना लेती है, इसकी मदद से वो लोग वहाँ पर होते हुए भी अब किसी को दिखाई नहीं देते। रेस्टोरेंट वाला बंदा भी खुद हैरान हो जाता है, अभी तो ये लोग यहाँ पर थे, पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए, यहाँ तक कि अभी तक तो उन लोगों ने उसके पैसे भी नहीं दिए थे। इसके बाद अब हम माइक और डेव को देखते हैं, जिनसे लोटस कहती है कि जब तुम दोनों के ही ऊपर काफी भारी मात्रा में मेंटल इम्पैक्ट पड़ा, तब तुम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए उससे आसानी के साथ में बच गए, क्योंकि वैसे अभी तुम लोगों का पावर लेवल तो 8 ही है। यहाँ पर आने से भले ही वो चेंज हो गया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सक्सेस का राज केवल एक ही है, जो कि है PLS बीट। वो दोनों ही सोचते हैं कि हम जानते थे कि ऐसा होने वाला है। माइक उससे कहता है कि क्या अभी तक तुम्हारी सर से PLS बीट का भूत उतरा नहीं, और वैसे भी हम तीनों ही इंसान है, इसीलिए तुम किसी को भी नहीं बता सकते कि हम दोनों के अंदर PLS बीट की पावर्स है। तो लोटस कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर दोबारा से कभी भी यहाँ पर एपोकलिप्स आया तब डेमोनिक डोमेन को बचाने के लिए उनके पास में 2 ही रास्ते होंगे, लेकिन फिर भी सबसे पहले उनके दिमाग में बात आएगी 7 डिवाइन बीट्स को जोड़ने की। लेकिन डेमोनिक डोमेन के बड़े लोग इस बारे में जानते हैं कि 7 डिवाइन बीट्स उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग 7 महासंतों के बारे में जानते हो। डेव और माइक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके बारे में भी जानते हैं। तो वो कहती है कि यानी कि तुम लोग काफी कुछ सीख चुके हो, लेकिन अभी तक शायद तुम लोगों ने PLS बीट के कोर हर्ट के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि असल में वो एंसेस्टर फाचू और लैंकियों के तो है ही नहीं। वो लोग भले ही तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, डेव और माइक कहते हैं कि मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा जानना है, लेकिन वो लोग इस बारे में भूल चुके थे कि वो केवल गायब है, लेकिन आवाज तो बाहर आएगी ही आएगी। लोटस कहती है कि 7 डिवाइन बीट्स के लिए 7 महासंत नहीं बल्कि 8 थे, क्योंकि सभी को लगता था कि मेरे सिल्वर लोटस क्लेन से केवल एक ही आई है, लेकिन वो असल में जुड़वा थी, उन्होंने कभी अपने आप को अलग नहीं समझा, इसीलिए सभी लोग उन्हें केवल एक ही मानते थे। तो माइक कहता है कि सिल्वर लोटस क्लेन के पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर थी, यानी कि PLS बीट जो पावर को ट्रांसफर करने का काम करता है वो असल में सिल्वर लोटस क्लेन की साध्वी से आई थी। तो लोटस कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि PLS बीट की कोर मेरी उन दो महासाध्वियों के हर्ट से ही बनी है, इसी वजह से मैं PLS बीट को लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मेरे ही पूर्वजों का खून है। मैं जानती हूँ तुम लोग अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, इसीलिए मैं तुम लोगों से माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ में पहले जो कुछ भी किया। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है, और मार्शल कल्टीवेटर के न्यू एपिसोड्स की वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी।